नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन में ही होगा खत्म। विधानसभा सत्र की कम होती अवधि को लेकर विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चलने की टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा रूपी मंदिर का पुजारी यानी विधायक गड़बड़ होंगे तो मंदिर पर तो आँच आएगी ही। उन्होंने कहा कि विधानसभा के संविधान में इस तरह का वर्णन नहीं है कि विधानसभा कितने दिन चलेगी। कुछ दिन पहले शिमला और गुवाहाटी में स्पीकर्स के सम्मेलन हुए। टोरंटो में भी पार्लियामेंट के स्पीकर का सम्मेलन हुआ है। इन सम्मेलनों में देश भर की विधानसभाओं के स्पीकर एक प्रस्ताव पर सहमत हुए हैं कि विधानसभाओं के संचालन का समय तय हो। अभी संविधान में उल्लेख है कि विधानसभा 6 महीने में एक बार आहूत होगी, लेकिन कितने समय के लिए बुलाई जाएगी ये नहीं लिखा है। हम चाहते हैं कि विधानसभा 3 महीने में एक बार बुलाई जाए, उसके दिन भी तय हों, सदस्यों की संख्या के हिसाब से हर राज्य की विधानसभाओं के दिनों को तय कर दिया जाए। एक बार दिनों का निर्धारण हो जाने से विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रण समिति की बैठक में तय किया कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश आगमन के चलते सदन चलना मुश्किल है। बैठक में यह बात भी आई थी कि 13 सितंबर को शंकराचार्य जी के निधन के चलते अवकाश करना पड़ेगा, ऐसा किसी तरह 5 दिन का समय पूरा करना पड़ेगा। इसी वजह से हमने लॉन्च ब्रेक खत्म कर शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक समय बढ़ाकर रोजाना 3.5 घंटे का समय बढ़ाया। यह बैठकों में ही तय हो गया था कि 5 दिन का समय 3 दिन में पूरा करना है। विश्व स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा, जनता हमें जिस अपेक्षा से चुनकर भेजती है, कोई विधायक ये नहीं कहता कि हम विधानसभा का अपमान करेंगे। हर विधायक ये कहता है कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, तो इस मंदिर की रक्षा कौन करेगा? विधायक इस मंदिर का पुजारी है। जब पुजारी गड़बड़ होगा तो मंदिर पर तो आँच आएगी। इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था खत्म होगी। किसी मंदिर का पुजारी ठीक नहीं होगा तो कौन उस मंदिर में दर्शन करने जाएगा? हम सबकी जिम्मेदारी है कि जिस पवित्रता के साथ संकल्प लेते हैं उसकी पवित्रता बचाने की जिम्मेदारी सबकी है। विधान के भीतर, कानून के भीतर ये कि विधानसभा 6 महीने में एक बार आहूत होगी, पर कितने समय के लिए होगी ये नहीं लिखा हुआ उसमें। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।